ये सेवंथ क्लास टूडे वी विल डिस्कस वर्कशीट टू ऑफ यूनिट ट्वेल्व डाटा हैंडलिंग वर्कशीट टू के अंदर है मीडियन वर्कशीट वन के अंदर हमने किया है मीन तो वर्कशीट टू के अंदर है मीडियन सबसे पहले जान लेते हैं कि मीडियन होता क्या है द मीडियन इज़ द वैल्यू विच इज़ स्ट्रिक्टली इन द मीडल ऑफ द लिस्ट ऑफ़ द ऑब्जर्वेशन वैन रिटर्निंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इट इज़ ऑल्सो ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो मीन होता है वो भी सेंट्रल टेंडेंसी ही होती है और जो मीडियन है उसको भी हम सेंट्रल टेंडेंसी का ही एक मेज़र कहते हैं तो मीडियन निकालते कैसे हैं स्टेप्स क्या हैं उसको निकालने के फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो सेकंड स्टेप है इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन देन मीडियन इज द मीन और एवरेज ऑफ द मीडल टू मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन्स अगर इवन हो तो बीच की जो टू ऑब्जर्वेशन्स होती हैं उनका मीन निकाल दो या उनका एवरेज निकाल दो इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ओड देन द मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन अब हम सम के हिसाब से सम की हेल्प से हम इन सारों को क्लियर करेंगे तो फर्स्ट सम है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा डेटा इज इलेवन थर्टी नाइन फोर्टी थ्री फोर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी थ्री फोर्टी टू एंड थर्टी सेवन तो स्टेप में पहला था हमारा अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया फिर मैंने इनको काउंट किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऊपर भी काउंट करने हैं यहाँ भी क्योंकि अरेंज करते हुए कोई ना कोई स्किप कर जाता है तो आपने ऊपर से भी काउंट कर लेने हैं नाइन है तो नीचे भी नाइन काउंट कर लेने हैं हेयर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ नाइन दैट इज़ ओड तो ओड के लिए वो कहता है मीडियम जो है वो सेंटर वाला होगा मीन्स नाइन में से फोर इधर छोड़ दो फोर इधर तो जो बीच का है वो बच जाएगा मीडियन नाइन में से वन लेस करो एट फोर इधर फोर इधर एट का आधा फोर इधर फोर इधर या ये कह लो कि नाइन प्लस वन अपॉन्ट में टू टेन अपॉइन्ट में टू फिफ्थ नंबर वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ नंबर वाला होगा तो इस तरीके से हमने मीडियन निकालना है इसी तरह इसमें भी नाइन ऑब्जरवेशंस हैं तो मिडल मोस्ट आ जाएगा आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लें उसके बाद है सेकेंड पार्ट जिसके अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस है दैट इज़ टेन मीन्स अब की बार इवन है टेन का अगर हम हाफ़ करें तो फाइव हो जाता है तो मीन्स फाइव इधर गई फाइव इधर तो फिर बीच में कुछ भी नहीं बचा तो हमने क्या करना है फोर इधर फोर इधर करके बीच की टू लेनी है फोर इधर फोर इधर एट हो जाएंगी तो नाइन टेन जो बीच की दो बचेंगी उन दोनों को ऐड करके अपॉन में टू निकालना है तो वो मीडियन हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर थ्री है वो भी उसी की तरह है जो क्वेश्चन नंबर वन और टू किया है अपने आप करना है क्वेश्चन नंबर फोर द वेट ऑफ इलेवन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन इन अप्रैल टू जीरो वन फाइव मीन्स टू थाउजेंड फिफ्टीन में के जी के अंदर वेट दिया हुआ है इलेवन स्टूडेंट्स का तो वो पहले में कहता है मीडियम निकाल लो तो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर कर लिया नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन इज़ इलेवन दैट इज ओड तो फाइव इधर गई फाइव इधर तो मीडियन मीडियम बच गई फिफ्टी टू मीन्स अगर आसान है तो इलेवन प्लस वन अपॉइन में टू इलेवन और वन ट्वेल्व ट्वेल्व अपॉइन्ट में टू मीन्स सिक्स सिक्सथ वन टू फोर थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स जो है दैट इज़ फिफ्टी टू तो मीडियन फिफ्टी टू आ जाएगा फिर है इन जुलाई टू थाउजेंड फिफ्टीन वन स्टूडेंट ऑफ वेट फिफ्टी एट लेफ्ट द स्कूल फिफ्टी एट जिसका वेट था वो स्कूल छोड़ के चला गया एंड ए न्यू स्टूडेंट ऑफ वेट सिक्सटी एट ज्वाइन द क्लास सिक्सटी एट के जी वाला स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया फ़ाइंड द न्यू मीडियन तो बच्चों कितना आसान है ना तो हमने ऊपर जब असेंडिंग ऑर्डर में किया था तो फिफ्टी एट बाई द वे लास्ट था तो उसको हटाना है और उसकी जगह सिक्सटी एट लिखना है तो हमारे मीडियन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दैट इज़ लास्ट टर्म तो हमारा जो मीडियन है वो तो सिक्स टर्म जारी थी ना इलेवन प्लस वन ट्वेल्थ ट्वेल्व में टू सिक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तो अब भी जो मीडियन है वो फिफ्टी टू है क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ लास्ट टर्म बदली है अगर बीच में कोई ऑब्जर्वेशन बदलता तो हमारे मीडियन पे भी फ़र्क पड़ना था अब की बार मीडियन में कोई फर्क नहीं पड़ा उसके बाद है वर्कशीट थ्री बहुत आसान है छोटी छोटी हैं बच्चों तो आपका पीरियड जो है वो वीक में अब दो बार आ गया है तीसरा पीरियड चला गया तो इसलिए हम दो वर्कशीट आज ही बना लेते हैं इसी में इसी वीडियो में क्लियर कर देते हैं वर्कशीट थ्री के अंदर है मोड क्या होता है मोड मोड इज़ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो ऑब्जर्वेशन बार 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 आ रहा है जो रिपीट हो रहा है ज़्यादा बार वही ऑब्जर्वेशन जो है वो मोड होती है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस तो अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में काउंट कर लो लिख लो सेट कर लो तो जो बार बार आ रहा है वो अपने आप ही समझ आ जा जाएगा वन टू थ्री फोर वन टू वन टू वन टू और लास्ट में सिंगल तो फोर्टीन जो है वो ज़्यादा बार आया है वी सी फोर्टीन अक्र्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो ज़्यादा बार आता है उसको कहते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली बार बार आ रहा है कितनी बार आया फोर टाइम्स तो इसीलिए मोड जो है वो फोर्टीन है अगले में भी ऐसे ही है सेट कर दो इसमें लास्ट जो सिक्स है वो आ रहा है फोर टाइम्स तो मोड हो जाएगा सिक्स लेकिन अगर टेबल वाला कोई सम आ जाए द फॉलोइंग टेबल शोज़ द वेट ऑफ फिफ्टीन स्टूडेंट्स फाइंड द मोड तो वेट तो है ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है तो फोर्टी सिक्स जिनका वेट है वो थ्री स्टूडेंट्स हैं फिफ्टी वन जिनका वेट है वो वन स्टूडेंट है फिफ्टी थ्री जिनका वेट है वो फाइव स्टूडेंट्स हैं फिफ्टी सिक्स जिनका वेट है वो टू और सिक्सटी जिनका वेट है वो फोर तो सबसे ज़्यादा वेट वाले जो बच्चे हैं वो है फिफ्टी थ्री वेट वाले और वो है फाइव स्टूडेंट्स तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर वोइ सी नंब द स्टूडेंट्स फाइव स्टूडेंट्स आर हैविंग फिफ्टी थ्री के जी मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा देखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है फाइव तो इसका जो अगेंस्ट कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है जो सामने वाली वैल्यू होती है उसी को मोड कहते हैं मीन्स फाइव स्टूडेंट्स हैं कितना वेट है उनका फिफ्टी थ्री तो जो मोड होगा वो फिफ्टी थ्री आंसर होगा ठीक है तो जो क्वेश्चन नंबर थ्री है वो अपने आप करना है इसी के जैसा ही है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर इन जनवरी टू थाउजेंड फिफ्टीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन टेन फैमिलीज ऑफ ए लोकेलिटी आर दिस दस फैमिली एक लोकेलिटी में रहती हैं पहली फैमिली में फोर चिल्ड्रन हैं दूसरी फैमिली में थ्री हैं फिर फोर हैं किसी फैमिली में है ही नहीं फिर टू फिर टू फिर फाइव फिर टू फिर वन फिर थ्री फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड बहुत अच्छा सम है अगर किसी ने फोर मार्क्स में या ज़्यादा मार्क्स में देना है तो मीन मीडियन मोड एक बार निकलवा रहा है फिर दोबारा फिर निकलवा रहा है तो अच्छा समय है ये गिवन डाटा दिया हुआ है तो मीन मीन निकालने का क्या फार्मूला है हमारी वर्कशीट वक्षि, वर्कशीट वन टू और थ्री तीनों रिवाइज हो रही हैं इसमें तो मीन का तरीका था सम ऑफ समर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशनस तो ये छोटे छोटे नंबर हैं अपने मन में ही ऐड कर लो तो ट्वेंटी सिक्स जो है इनका टोटल आया अपॉन में टेन ऑब्जर्वेशन हैं तो टू पॉइंट सिक्स इसका आंसर है अपॉन में नहीं निकालना पॉइंट में निकाल दो मीडियन का क्या तरीका था डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर लो अब टेन है इवन तो फोर इधर फोर इधर जो बीच की टू बचेंगी उनको ऐड करके अपॉन में टू तो टू पॉइंट फाइव हो गया मोड क्या होता है जो ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट हो रही है तो जो टू है वो बार बार रिपीट हुआ तीन बार बाकी कोई भी ऑब्जर्वेशन तीन बार नहीं आई तो ये हमारा मोड हो गया फिर क्या कह रहे हैं हमने निकाल दिया वन टू थ्री थ्री मार्क्स का सम तो यहाँ कंप्लीट होता है लेकिन उसने आगे फिर कहा एट द एंड ऑफ द ईयर टू फैमिलीज़ हैविंग चिल्ड्रन जीरो एंड वन वैकेटेड द हाउस जिस परिवार में जीरो मीन्स कोई बच्चा भी नहीं था और एक और ऐसा परिवार जिसमें एक ही बच्चा था उन्होंने मकान खाली कर दिया उस लोकेलिटी से और उसकी जगह पर टू मोर फैमिलीज़ हैविंग चिल्ड्रन टू एंड फाइव गोट वैकेंट अकोमोडेशन जो मकान खाली हुए वहाँ पर बदले में दो परिवार और आ गए और उन परिवारों में एक परिवार में थे टू चिल्ड्रन और एक में थे फाइव तो वह कहते फिर दोबारा में मीन मीडियन मोड फिर से निकालो तो गिवन डाटा ये था हमने ज़ीरो वालों को हटा दिया यहाँ पे वन वाले को हटा दिया तो जीरो वाले की जगह पर टू आ गया और वन वाली जगह पर फाइव आ गया तो ये डाटा हुआ फिर दोबारा से करो न्यू डाटा हमारा ये बन गया अब ज़ीरो नहीं लिखना वहाँ पे टू लिखना है और वन नहीं लिखना वहाँ पे फ़ाइव तो अब इसको भूल जाओ और इस डाटा को यूज़ करो इस डाटा से फिर हमने निकालना है मीन मीडियन और मोड तो तरीके वही हैं जैसे ऊपर वाले थे तो ये थी हमारी वर्कशीट थ्री तो अच्छे से समझो अच्छे से करो थैंक यू हैव ए नाइस डे